हेलो हेलो जी नमस्ते। नमस्ते जी, क्या हाल है आपके? आपका मैं जी मैं राणा अहमद बात कर रहा हूँ। राणा अहमद बात कर रहे हैं, लेकिन किससे बात करनी है आपको? मैंने असल में आपसे एक बात करनी थी कि अभी मैं और मेरी जो वाइफ थी ना, हाँ, तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले आए थे आपके पास। तो ये साड़ी का ही है ना? हेलो हाँ, मैं थोड़ी देर पहले यहाँ आए थे जी, आप लोग के पास आए थे। और मेरी जो बेगम थी ना, उन्होंने साड़ी चेंज करनी थी, तो उन्होंने साड़ी चेंज की, लेकिन वो अपने जो कपड़े ना वो उधर भूल आई और आप वाले ले आई साथ में ही। तो वो अब कह रही, स्टोर पे आप बात करें, मेरे स्टोर पे तो आई नहीं वो। आप किसके वो पता नहीं, वो रोका डुबका कह रही थी, पूरा डुबका कह रही थी, लेकिन मेरे साथ आज की बात है, तब की बात है। मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ी देर पहले तो आज ही हुआ ना। थोड़ी देर पहले वहाँ यहाँ पर कौन था? मैन था या कोई लेडीज थी, कौन था? नहीं, मैं तो थोड़ा और सामान लेने गया था, वो यहाँ पे आई थी, वो अकेली थी ना। लेकिन जिससे बात कर रहे हैं वो मैं पर्सन नहीं हूँ, कोई और हो सकता है, क्योंकि मेरे सामने तो वो आई नहीं। नहीं, आपके सामने थोड़ी अब कपड़े चेंज करेंगी। उन्होंने वो कह रही है कि वो कपड़े चेंज किए और वो अपने वाले जो है वहाँ भूल आई और आप वाले ले आई है। तो आप वाले जो है ना वो बड़े तंग है। नहीं, मुझे वही तो समझ नहीं आ रही है, लेकिन किससे आपने ये एक्सचेंज किया? मैं वो वाली पर्सन भी नहीं हूँ जिससे आपने एक्सचेंज किया, जिससे आपने कुछ किया। तो नहीं, उसने कहा था ना कि मैं मतलब ट्राई करती हूँ पहनने के लिए ना, तो वो मुझे बता रही थी कि मैं... बात आज की बात है जी, आज की बात है, थोड़ी देर पहले की बात है। तो कितनी देर पहले की बात है? ये मेरा ख्याल है कोई घंटा हो गया इस बात को। घंटा हो गया? तो उस वक्त मैं तो नहीं थी। चल मैं एक स्टोर का नंबर देती हूँ, मैं उनको बताया उस औरत का हुलिया बताएं, फिर मैं क्या ना यानी कि जज के वो उससे उसका हुलिया, क्योंकि अभी मेरी बेगम जो है ना वो जरा शॉपिंग करने गई है और अपने बच्चों के साथ गाड़ी में ना। लेकिन मैं ऐसे कैसे बात कर सकती हूँ विदाउट आप जब तक उसे, क्योंकि मैं वो पर्सन ही नहीं हूँ जिससे वो आई थोड़ी देर पहले। और तो मैं थी भी नहीं इधर, वो कोई दूसरा था। और दो लोग चेंज हुए, एक भी नहीं हुआ, दो लोग चेंज हुए। अच्छा, लेकिन तो आप नहीं, तो आपको मैं वो मतलब अब अगर मतलब आप जो है वो जो उसके कपड़े है ना, आपको मैं एड्रेस बताता हूँ, वहाँ पहुँचा देंगी आप? मैं कैसे पहुँचाऊँ जब मुझे तो यहाँ कोई कपड़े नजर अभी नहीं आ रहे हैं। हाउ कैन आई टेल यू? ओहो, देखें उसके जो कपड़े ना वो थोड़े मोटे से, आप इधर उधर जाके देखें ना वो जहाँ पे चेंज करते हैं। मैं देख लूँ क्या फिटिंग रूम में, यानी कि ना कहा ये कैसे हो सकता है कि फिटिंग रूम में वो अपने कपड़े छोड़ गई और दूसरे पहन के आ गई, ये कैसे हो सकता है ना? वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, पैसे दे गई है। बात पैसे दे के नहीं जाने, ना यहाँ पर वो कपड़े पड़े हैं, ना यहाँ पर वो कोई जो उनके कपड़े हैं वो भी नहीं यहाँ मुझे। इसका मतलब अगर उसके कपड़े वहाँ नहीं, इसका मतलब चोरी हो गया ना वहाँ से। कैसे चोरी होगी? यहाँ स्टोर पे कोई नहीं, स्टोर पे तो लाख का चोरी कैसे हो सकते हैं? मुझे क्या पता आपका स्टोर है कि मेरा, ये खुद ही देखे। आपके स्टोर से ना मेरी बीवी के जो है ना वो भी बड़े नए कपड़े थे। मेरी बात सुने भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राणा अहमद है। बेशक मैं आपके नाम का एहतराम करती हूँ, लेकिन रियली मैं आपको पर्सन नहीं हूँ जिस जहाँ आपने कॉल किया है और किससे आपने डील किया। आई डोंट नो एनीथिंग। अगर आप अपनी बीवी को लेके आ जाए, जब तक कि मैं देखूंगी नहीं कुछ नहीं, मैं कैसे बात कर सकती हूँ? और ऐसे हमारे स्टोर में होता नहीं है कि कोई फिटिंग वाले दूसरे कपड़े पहन के चला जाए, फिटिंग वाले यहाँ छोड़ के चला जाए और वो कपड़े चोरी हो जाए। वही तो मैं हैरान हूँ ना कि मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ, वो कभी भूल ही नहीं है। ये कोई यानी कि ये ऐसी जो स्टोरियाँ हैं जब तक के सामने नहीं आता बंदा बात नहीं कर सकता। ये आई एम सो सॉरी। लेकिन अच्छा, आपका नाम क्या? मैं उसे बता देता हूँ। मेरा नाम जाहिदा है और मेरे से उन्होंने बात नहीं की और ना ही मैंने कोई आज पूरे दिन में ऐसी कोई डील की है। तो पता नहीं वो फिर कैसे भूल गई है आप लोगों के वहाँ पे। आई डोंट नो यानी कि वो कौन है, आपकी बीवी के कितने लोगों के साथ आई है, कैसे है। इवन हमें तो एक कस्टमर का पता होता है कि कितने लोग आए हैं, कितने साथ आते हैं, और ये कैमरे लगे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो उसको याद नहीं आता। अगर वो साड़ी ना फटती जो उसने पहनी हुई थी, जो भी साड़ी फटे या जो भी फटे, यानी कि यहाँ कैमरे लगे होते हैं। दिस इज अ बिग प्रूफ। अगर वो यहाँ आई है तो उसके साथ उनकी मूवी होगी। मैं आपको उसका हुलिया बता देता हूँ अपनी बीवी का। हाँ, वो जो है ना उसके खुले बाल थे। हाँ, और ज्वेलरी पहनी हुई थी। हाँ, और मोटी सी है, मोटी सी। नहीं, मेरे सामने नहीं आई सारी बात। नहीं यार वो मोटी सी है बिल्कुल ना, वो डोर से लगता है पीछे से, वो जो डोर है ना उसमें घुस नहीं सकती, मोटी है थोड़ी। लेकिन वही तो बात है ना, मैं वही आपसे अर्ज कर रही हूँ कि मेरे सामने नहीं आई, ना मुझे पता है। मैं आपको ये स्टोर का नंबर देती हूँ, आप उस पर कॉल करें, हो सकता है कि वो लेडी यहाँ पर है उनके। और एक घंटे पहले तो हम लोग खाने और डिनर पर, मैं तो यहाँ थी भी नहीं। अच्छा आप नहीं थी यहाँ पे? नहीं। तो कौन था? आई डोंट नो। ओहो, फिर मैंने खामखा आपको कॉल की है। तो मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकती हूँ कि आई कैन नॉट से एनीथिंग। अच्छा तो पता नहीं वो कैसे आपके वहाँ से चोरी हो गया, मुझे ये नहीं पता। कैसे चोरी हो सकते हैं भाई, यहाँ स्टोर पे चोरी नहीं हो सकते हैं, कपड़े कैसे चोरी हो सकते हैं? वो जो है ना ब्लैक कलर का सूट था, बिल्कुल व्हाइट भी था साथ, ब्लैक हो कुछ भी हो, यहाँ होते हैं तो यहाँ कपड़े पड़े होते हैं, अगर किसी ने रखे भी होंगे तो यहाँ कितना बड़ा स्टोर है, वो कितने बड़े स्टोर में थी। सही बात है, वैसे चोरी नहीं करनी चाहिए किसी को। बात वही आ गई, हम तो चोरी कस्टमर ही करेगा, कस्टमर तो कोई है, हम लोग एम्प्लॉइज होते हैं, एम्प्लॉइज क्या चोरी करेंगे? कैमरे हर तरफ होते हैं, एम्प्लॉइज क्या किसी के कपड़े थोड़ी चोरी करेंगे। सही, वो आपकी बात ठीक है, कपड़े नहीं, लेकिन पता नहीं मुझे ये नहीं समझ आ रही कि कैमरे भी लगे हैं, फिर पता नहीं कैसे चोरी हो गए। किसके कपड़े चोरी हो गए? मेरी बीवी के ना। सॉरी अबाउट, आप स्टोरी ना बनाए, आप रियल यानी कि मतलब अपनी होश में बात कर रहे हैं। मैं स्टोरी क्यों बनाऊंगा, मुझे कौन सा बीच में? बीवी के कपड़े जब बात सुने, आई एम ए बिजी पर्सन, मैं यहाँ पे चेंजिंग कर रही हूँ। आपकी बीवी के कपड़े, ये नहीं पता आपकी बीवी कौन सी है, मैं ये नहीं पता आपकी बीवी कपड़े कौन से है। मैंने आपको अपनी बीवी का हुलिया भी बताया ना, वो मोटी सी है। देखी नहीं आपकी बीवी, तो मैं कपड़े और हुलिया में कैसे बता दूँ? आप किसी गलत पर्सन से बात कर रहे हो। ओह मेरे खुदाया। हेलो